किसानों के मसले को लेकर जिहड़ा कि यूपी दे विच एक जमीन का मसला इस तरह का हो गया कि उत्थे दे जिहड़े किसान ने सिख परिवार ने परेशान हो रहे हैं तो अकाली दल वालों एक वफद है जिहड़ा उत्थे दे सीएम योगी आदित्यनाथ भी मिलेगा तो नाल दे नाल जेकर लोड़ पई तो गृह मंत्री भी मिलने तो गुरेज नहीं किया जो साडे नाल प्रेम सिंह चंदूमाजरा ने चंदूमाजरा साहब किस तरह की दिक्कत पहला तो उत्थे आई है जिहड़े उत्थे किसान सिख परिवार है। देखो उत्तर प्रदेश संगठन के प्रधान जसवीर सिंह विरक होर बहुत सारे पंजाबी संगठनों ने साडे तक पहुँच की लिखती तौर पर भी आई है बेनती उन्होंने तो टैलीफोन पर भी तो मैं ये मसला कोर कमेटी में रखिया सी तो साड़ी एक तीन मैंबरी उच्च पदरी कमेटी बनाई है जल्दी ही माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में साडा डेलीगेशन जाएगा टैलीफोन पर भी संपर्क होया माननीय योगी जी नाल उन्होंने अगले हफ्ते समा देने की गल की आ और मैं समझदा कि श्रोमणी अकाली दल किसी भी कीमत पर उत्तर प्रदेश में जिहड़े सिख किसान परिवार आ उन्होंने उन्होंने जमीनों तो उजाड़ा नहीं उन्हों का हो जाएगा उत्तर प्रदेश सरकार वालों जोड़े नवे हुक्म हुए ने वो असी रद्द करावे उन्होंने इंसाफ लैके देवे उन्होंने जोड़ा धक्का तो बेइंसाफी होंगी है वो किसी भी कीमत पर नहीं हो दी जाएगी क्योंकि श्रोमणी अकाली दल इस गल का माण आ कि देश की आज़ादी के संग्राम के भी श्रोमणी अकाली दल ने बहुत कुर्बानियां कीतियां जेल कट्टिया तसीहे चले काले पानी के तसीहे चले बर्बादियां तबाहियां करा के इस मुल्क दे विच जिहड़े लोग बटवारे समय अपने घर बार छड़ के आए और इस मुल्क दे अनाज भंडार दे विच आत्म निर्भर मुल्क नूं बनाया भुखमरी दूर करी जंगल तोड़ के आबाद कराइया जमीना उन्होंने अज धक्का होवे अन्याय होवे ये किसी तरह भी जायज़ नहीं है और देश की आज़ादी तो बाद भी इस मुल्क दे विकास विच बहुत वड्डा अहम रोल आ पंजाबी भाईचारे का सिख समाज का करोना वर्गी महामारी के विच भी एक वक्री पहचान सिख भाईचारे ने बनाई है। किन्ने क परिवार हैगे ने किन्ने क लोग ने जो इनफेक्टेड हो रहे हैं इस फैसले के सरकार देखो 168 परिवार तो नानक सागर डैम तो जो जमीन अक्वायर की 3000 एकड़ उदों उठाते थे उदों दर दर के धक्के खा रहे उन्होंने जगराज के जमीना च बिठाता मुड़ के उठाता इस तरह लखीमपुर खीरी के रामपुर के जी बिक्रम शाह जमीन से इंतकाल नहीं हुए रजिस्ट्रियां कराइया बाद च सीलिंग दे विच सरपला डिकलिया करके वन विभाग नूं देती अज उहदी चकबंदी दे दौरान उन्हां दे खाते भी बनाते शेयर होल्डर भी मिलां दे बनाते उन्हां दीआं बिजली कनैक्शन भी लाते पानी दीआं टैंकियां भी लातीआं सड़कां भी बनातीआं सरकार ने सारियां सहूलतां दित्तीआं उन्हां नूं मालकी दे हक नाल मन के उन्हां नूं लोन भी मिलदे रहे ते अज उन्हां नूं मतलब वन विभाग जिहड़ा है सरकार जिहड़ी आ जमीना तो उठने के हुक्म कर रही है अगले हफ्ते मेरा ख्याल वो टाइम देंगे जो भी उन्होंने टाइम दिता असं मिलेंगे और पूरी तरह असं इंसाफ दवावे जो लोड़ पई तो भारत के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी तक भी पहुँच करांगे क्योंकि हुण तक जो साडे नोट्स में आया कि डिपार्टमेंटल लैवल से हेठले लैवल से कागजी पत्री हिसाब किताब के नाल ही यह कार्रवाई हुई है पोलीटिकल पहुँच जी हूँ अपनाई जाएगी और सानू आस आ कि उत्तर प्रदेश भी साड़ी भाईवाल पार्टी बीजेपी के मुख्यमंत्री ने वो इंसाफ देंगे। एक चंद्र साहब होर साफ करो कि सुनील जाखड़ा जो राज्यपाल को मिल के आए हैं मंग पत्र दिया है कि केंद्र ने जो ऑर्डिनेंस दिता वो किसानों को फायदा नहीं होगा अकाली दल से भी वो सवाल खड़े कर देते हैं कि वो आखिर क्यों नहीं कहते तुम कहने कि उन्होंने 2017 यह खुद ही पास कर चुका है तो असल देखा जाए इस मुद्दे के उत्ते नफा नुकसान हैगा कोई या सिर्फ एक राजनीति है। देखो राजनीति का सवाल नहीं बाकी गल ये भी कुछ शंके कुछ गल्लां जिहड़ियां ने नवे आर्डीनेंस नूं लैके लोगों में आईया ने आर्थिक मारां आईयां ने किसान हितू ते खास तौर पर जिहड़े खेतरीवाद विच विश्वास रखने वाली पार्टियां ने उन्होंने भी आए ने शंके आए ने ते कुछ शंके जिहड़े ने केंद्र सरकार के मंत्रियों ने दूर भी किए ने जिवें MSP जारी रखने वाली गल आ सरकारी परचेज जारी रखन की गल उन्होंने विश्वास दवाया तो फिर भी मैं गल कह सकदा कि अकाली दल ने इस मुल्क दे विच जिहड़ी पहचान बनाई आ एक तो भावें अकाली दल व्यापारी लई मजदूर लई किरती कामे मेहनतकश हर वर्ग लई और खास तौर पर शेड्यूल कास्ट लोगों लई हमेशा पहरेदार रहा तो उन्होंने सहूलतां लोड़ पैण ते जदों भी किते ताकत आया दिंदा रहा पर किसानां दे हितू जे मुल्क दे विच किसे पार्टी दी पहचान आ तां अकालियां दी इस तरह अकालिया ने देश के अंदर फैडरलिजम सूबे नूं वध अधिकार देण दी गल विकेंद्रीकरण सत्ता दा करन दी गल देश दे विच जाने
ਸੰਘੀ ਢਾਂਚਾ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ, ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲਦਾਜੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਠਾਈ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਉਠਾਈ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਧਰਮ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਚੌਥੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਪਾਰਟੀ, ਉਹ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚਾਰ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ ਰਾਜਸੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ 'ਚ ਬਣਾ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਡਿਲਿਊਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ, ਜੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਧੱਕਾ ਲਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਹਰ ਯਤਨ ਕਰੇਗਾ। ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਫਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਯੂਪੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਟਾਈਮ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸੰਕਟ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਤਾ ਵੀ ਜੇ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਪਦਾ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਸਟੈਂਡ ਸਾਫ਼ ਕਰਤਾ ਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਵਿਰੋਧੀ ਕੁਛ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਜੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਸ਼ੰਕਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੀਡੀਓ ਜਰਨਲਿਸਟ ਕਮਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਮਿਤ ਜੋਸ਼ੀ, ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।